काबिले एहतराम अरकी ने राबता कमेटी MQM पाकिस्तान मेरे अरकी ने मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टाउन सरजानी के जिम्मेदार तहरीकी साथियों और UC2 यूसुफ गोट, रहीम गोट और नासरी गोट से ताल्लुक रखने वाली मेरी तहरीकी बहनों और बेटियों, मेरे भाइयों बहनों और बुजुर्गों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपके इतने पुरजोर जवाब से ये बात सरजानी टाउन से बाहर निकलकर सुपर हाईवे से होती हुई हैदराबाद सक्कर कश्मीर और सिंध से निकलकर पंजाब और इस्लामाबाद तक पहुंची है और ये नतीजा इस्लामाबाद लेकर पहुंची है कि NA-244 PS-117 और PS-116 से पतन भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो गई है। मुझे मालूम है कि इंतखाबात की सरगर्मियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बड़ी गर्मजोशी के साथ कारकुनान और MQM के हामी बहनें, बेटियां, मेरे भाई और बेटे पतंग की हुरमत को कायम और दायम करने के लिए और जो हमारी अजमत है उसे बहाल करने के लिए इंतखाबात 2024 8 फरवरी को वो ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब आसमान पतंग से भरा होगा तो हम गुज़िश्ता 15 सालों से जिस गुनारा कोटा सिस्टम में भी जो कोटा था वो जाली डोमी साइल बनाने वालों को दे दिया गया, हमारे बच्चों को नौकरियों से महरूम किया गया। तो ये तय है इंशाअल्लाह ताला कि 8 फरवरी 2024 बहुत सारे ताले खुलेंगे, पतंग आसमान पर बुलंद होगी और रोजगार, तालीम, सेहत, सड़कें और बुनियादी सहूलतें, पानी, निकासियां आप